हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ चटपटे मसालेदार आलू। तो उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 6 से 7 उबले आलू लिए हैं। सरसों का तेल है जो जरूरत के हिसाब से डालेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से, और टमाटर है यहाँ पे 2 बड़े टमाटर लिए हैं जिसकी प्यूरी करेंगे। ये 2 बड़े कटे प्याज है, और यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च है जिनको प्याज के साथ पेस्ट कर लेंगे। तड़के के लिए यहाँ पे लिया हमने ये जीरा है, हींग है, और ये 1 तेज पत्ता है। खड़े सूखे गरम मसालों में 2 बड़ी इलायची है, दाने कर लिए हैं उसके, छिलके हटा दिए हैं। ये काली मिर्च है, और ये एक हरी इलायची है, 2 लौंग है, और ये एक सीक्रेट मसाला है हमारा पत्थर फूल, जिसके कारण सब्जी का एक अपना अनोखा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको आप ज़रूर डालें, इसको भी मसालों के साथ पीस लेंगे। सूखे गर्म मसालों में मैंने लिया यहाँ धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, और ये कसूरी मेथी है, बाद में सब्जी पकने के बाद डालेंगे इसको फ्लेवर के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चटपटे मसालेदार। कढ़ाई गरम कर ली हमने, और इसमें 2 से 3 चम्मच करीब तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो अब सबसे पहले तड़का लगा करके आलुओं को सेंक लेंगे अच्छे से। जीरा, हींग और ये तेज पत्ता डाल दिया। और अब डालेंगे आलू, और आलू को अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारे आलू भूनेंगे तब तक हम प्याज की ग्रेवी बना लेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिए, ये अदरक, हरी मिर्च और लहसुन इसके साथ ही पीस लेंगे। और ये जो सूखे मसाले हैं, ये पत्थर फूल और ये काली मिर्च, बड़ी इलायची, सबको साथ में ही पीस लेंगे। ये हरी इलायची और ये 2 लौंग। यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल करके और ये प्याज और मसालों के साथ ग्रेवी बना लेंगे इसकी। तब तक हमारे आलू भी पक रहे हैं, सिक रहे हैं, अच्छे से भून जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आलू हमारे सिक चुके हैं, और मैं इसको पहले एक अलग बाउल में निकाल लूंगी। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल और डालेंगे। और अच्छे से गरम होने देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं तेल हमारा गरम हो गया है, और ये जो हमने प्याज की ग्रेवी बनाई थी अदरक लहसुन हरी मिर्च और बाकी सूखे मसालों के साथ, तो अब इसको भून लेंगे। प्याज हमारे अच्छे से भून चुके हैं, और अब इसमें तेल भी बाहर आने लगा है, तो डालेंगे हम सारे सूखे मसाले। तो सबसे पहले ये लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी बाद में डालेंगे। अब यहाँ से डाल देंगे टमाटर की ग्रेवी। इसको भी अच्छे से सेंक लेंगे तेल छोड़ने तक। ये हमारी ग्रेवी भून के तैयार है,
तेल बाहर आने लगा है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे आलू। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब यहाँ पे हम गरम मसाला भी डाल देंगे। और ग्रेवी जितनी गाढ़ी या पतली रखनी हो उसके हिसाब से पानी। तो यहाँ पे पानी डाल दिया हमने। और अब इसको 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे मसालों के साथ पकने के लिए रख देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारी आलू की सब्जी पक के रेडी है। तो यहाँ पे डाल देते हैं कसूरी मेथी थोड़ा क्रश करके। तो ये हमारे चटपटे मसालेदार आलू बनके रेडी है। और बारिश का टाइम है, इसको एक बार आप बनाइए जरूर। अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।